दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जीएस एंड जीके का एग्जामिनेशन कैप्सूल, जो कि आपको एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप जितने भी अभी प्रिपरेशन किए हैं उससे रिलेटेड आपको कितनी नॉलेज है वो सारे इस वीडियो में टेस्ट हो जाएगा। तो आप ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उस वीडियो को क्वेश्चन को नोट डाउन करें, देखें कि आपको 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम 30 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन आता है तो आप वेरी गुड हैं, आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन सही चल रहा है। तो कैप्सूल प्रोवाइड करने का मेरा मेन मकसद है कि आपका एग्जामिनेशन को जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ बूस्ट लाने की कोशिश करें। आप प्रिपरेशन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व न बिना सॉल्व किए हुए वहाँ से आए नहीं, तो ये मेरा मकसद है। तो आज से आपको कंप्लीट पार्ट बाय पार्ट जीएस एंड जीके, उसके बाद मैथ और सारे सब्जेक्ट का भी मैं कैप्सूल प्रोवाइड करूँगा। तो इसी वीडियो में बेसिकली आप अपने नॉलेज को टेस्ट करें और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन नोट डाउन करें और हमें बताएं कि आप 30 में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ खुद से। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस एग्जाम से पहले वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो मैं जो आज क्वेश्चन लिया हूँ वो जीएस से लिया हूँ जो कि फिजिक्स से है। तो ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन से आप आंसर बताएंगे और आंसर एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको जूल का मात्रक किसका मात्रक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगी इससे, क्योंकि आप आंसर जानेंगे तो उससे क्वेश्चन भी आंसर से बना सकते हैं और यदि बना हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो नोट डाउन करें और देखें कि आप इस कंप्लीट वीडियो 30 क्वेश्चन में आपको कितना वीडियो क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। लुमेन किसका मात्रक है, लुमेन ज्योतिक फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी रेडियो एक्टिव धार्मिकता इकाई का नाम है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम किस नियम के कारण संभव है, ए तृतीय नियम के कारण संभव है। तो आप न्यूटन के तीनों नियम को अच्छे से रखें, उसके एग्जाम्पल को प्रिपरेशन करके रखें तो कोई भी क्वेश्चन कोई स्टेप का आता है तो आपको सॉल्व आसानी से कर सकें। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित करती है, वो संवेग संरक्षण पर आधारित करती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका क्या कारण है, वो विश्राम जड़त्व है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, वो गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, एक का 10th भाग समुद्र से ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसके करने के किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहन में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, पास्कल नियम का अनुप्रयोग है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है, अपकेंद्रित बल के कारण अलग होती है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जेट इंजन रेखिंग संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, ये 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है,
1/6 भाग। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ए पृष्ठ तनाव से होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पहले भी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 18 से 30 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूबी जाती है जबकि जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये नियम प्लवन का नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के संभोगिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? वो न्यूटन ने किया, जो सबको पता है। कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? वो 9.8 है। एक पावर हाउस कितने वाट के बराबर होता है? ए 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें और हमेशा दिमाग में रखें। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृथ्वी के पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम दूरी तय कर जाती है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़ को आप 45 डिग्री से फेंकते हैं तो ज़्यादा दूरी तय करती है। किसने न्यूटन से पूरी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मपुत्र ने बताया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का और जीएस का दोनों का इंक्लूडेड है, तो एक क्वेश्चन को हम ज़्यादा ध्यान में रखें। तो जो भी क्वेश्चन को दोस्तों आपको हम बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करने की कोशिश करें। क्रिकेट की गेंद को किस कोने से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी तय कर सकती है? जैसे पहले भी मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ, एक कोई भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री कोण से मारने से ज़्यादा दूरी तय करती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? उसका नाम डेवी था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों जीएस और जीके से दोनों से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की ज़्यादा संभावना है। तो जो वैज्ञानिक ने सबसे पहले दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, वो उसका नाम था डेवी। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वायरल के अंदर उच्च ताप होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में, पार्ट वन वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं। आप 30 क्वेश्चन में खुद से आप फिगर आउट करें, वीडियो को पॉज करके आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको, ईमानदारी से आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि कितने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तो सारे जितने भी वीडियो देखेंगे उससे पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना है, आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल बटन को प्रेस जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।